much for the wonderful introduction. And at the same time, thank you so much to Nirvana Group, जो मुझे हमेशा मुझे एक अपॉर्चुनिटी देते हैं आप लोगों के बीच में आने के लिए. एंड लाइक वेरी वेल सेड, आपने बहुत बढ़िया से हमारे जो स्किन फॉर्मूला 9 के जो रेंज है वेस्टीज में उनके बारे में बहुत बढ़िया से बताया है. सो आज हम लोग वही सीखेंगे स्किन केयर और स्किन केयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर हम लोगों को कैसे डेली अपना स्किन को केयर करना चाहिए या फिर उसके साथ ही साथ हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है, राइट? सो वेलकम एवरीवन, मैं आप सभी को आज के सेशन में वेलकम करती हूँ और साथ ही साथ आप हर किसी को मेरे तरफ से 16th एनिवर्सरी का बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, सो वेलकम टू दिस सेशन. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी. सो नेटवर्क इशू ना हो इसीलिए मैं अपना कैमरा ऑफ कर रही हूँ. सो बीच बीच में अगर मुझे कुछ दिखाना हो तो मैं फिर से कैमरा ऑन कर दूंगी. इज इट ओके रंजिता मैम? यस मैम. ओके ओके, थैंक यू सो मच. सो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी. जी मैम. ओके ओके. मेरी स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस, दिखाई दे रही है. ओके ओके, गुड गुड. ओके, सो मैम ने ऑलरेडी हमें बहुत बढ़िया से स्किन फॉर्मूला 9 के बारे में बताया. सो मैं फिर से थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी आप लोगों को. सो ये जो स्किन फॉर्मूला 9 है ये बहुत ही एक प्रीमियम रेंज है. प्रीमियम मतलब एक्सक्लूसिव. और ये साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस है. और ये स्विस लैब में इसका जो फॉर्मुलेशन है इसको स्विस लैब में बनाया गया है. और इसके साथ ही साथ हमारे जो एमडी सर है गौतम बाली सर, उन्होंने इसको बहुत लंबे एक रिसर्च करने के बाद ही, अराउंड 3 to 4 years रिसर्च करने के बाद ही ये लॉन्च किया गया है. रिसर्च मतलब बहुत दिन इसको टेस्ट किया कि इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए या फिर हमें हमारे स्किन में कैसे बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इसके रिलेटेड जिसको हम लोग इस प्रोडक्ट के जरिए हम लोग हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. तो बहुत लंबा बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करने के बाद ही ये रेंज को लॉन्च किया गया है. अभी हमने ऑलमोस्ट 5 years कम्प्लीट किया है. अभी स्किन फॉर्मूला 9 का वेस्टीज में आना अभी 5 to 6 years ऑलरेडी कम्प्लीट किया है और इसका रेस्पॉन्स काफी काफी अच्छा है. सो जैसे मैंने भी रिसेंटली ही ज्वाइन की हूँ, रिसेंटली नहीं बोलूंगी मैं अभी. मैंने वेस्टीज में एज ए एरिया सेल्स मैनेजर नॉर्थ ईस्ट ब्यूटी एंड मेकअप लास्ट मेरा 3 months हो गया है. मैंने मार्च में ज्वाइन किया था. सो अनफॉर्चुनेटली मैं ज्यादा ब्रांड्स नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. लेकिन जो मैंने अराउंड 1 week to 10 days में जब ब्रांड्स गई थी, जब भी मैं मिस्टर लॉ मिलान की कैबिन में जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं जो आके बहुत अच्छा अच्छा फीडबैक देते हैं स्किन फॉर्मूला 9 का. जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है. और मे बी अभी अभी जो लोग हमारे इस मीटिंग में इस ट्रेनिंग में जितने भी लोग अभी अटेंड कर रहे या फिर मुझे सुन रहे, आई एम श्योर आप में से भी कोई होंगे जो ऑलरेडी स्किन फॉर्मूला 9 को यूज किए होंगे और आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला होगा, राइट? सो चलिए अभी बात करते हैं कि क्या क्या ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जिनको हमें ध्यान रखना जरूरी है या फिर ऐसा क्या क्या रीजन है, ऐसा क्या क्या कारण है जिसके वजह से हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स आ सकती है. ओके, सो जैसे एक बात मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग में बोलती हूँ कि हम लोग बहुत खुशी से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग जब सोचते हैं कि हम लोग धीरे धीरे हमारा एजिंग हो रहा है या फिर धीरे धीरे हमारे उम्र कम होते हो रहे, उस टाइम पे हमें बहुत ही दुख लगता है. और ये ऐसा चीज है, एजिंग एक ऐसा चीज है, उम्र बढ़ना एक ऐसा चीज है जो कि बहुत ही नेचुरल है. ये प्रकृति का नियम है और हम इसको रोक नहीं सकते. हम लोग चाह के भी इसको स्टॉप नहीं कर सकते या फिर रोक नहीं सकते क्योंकि टाइम तो जाता रहता है.
सो लाइक टाइम जैसे लाइक एवरी सेकेंड पार हो रहा है, एवरी मिनट एवरी आवर जैसे पार हो रहा है, ऐसे हमारा जो एजिंग है, हम लोग अभी 30 इयर्स था तो उसके साथ हम लोग नेक्स्ट ईयर 31, सो ऐसे करके हमारा जो एज है दिन बाद दिन एवरी सेकेंड इट्स इंक्रीजिंग, राइट? सो एजिंग एक ऐसा चीज है जो नेचुरल है और इसको हम लोग चाहकर भी लाइक बंद नहीं कर सकते या फिर स्टॉप नहीं कर सकते. और ये एक ऐसा चीज है जो पहले सबसे पहले हमारे स्किन में ही दिखाई देता है. सो ये एक प्रोसेस है जो फर्स्ट पहले हमारे स्किन में ही दिखाई देता है. और ज्यादातर लाइक क्या होता है, एजिंग के साथ ही साथ जो हमारे लाइक जैसे मैंने ऑलरेडी बोला एक नेचुरल प्रोसेस है, सो एजिंग के साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे स्किन में दिखना शुरू हो जाते हैं. सो कारण क्या क्या होता है, जो मेन कारण है वो हो गया यूवी रेज, जो धूप में हम लोग निकलते हैं या फिर सूरज की जो रोशनी है, जो किरण है वहां से हमें लाइक दो तरह का रोशनी आता है, सूरज से दो तरह का यूवी आता है. अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है उसको एक होता है यूवी ए और दूसरा होता है यूवी बी. सो यूवी ए से हमें एजिंग का और यूवी बी से हमें बर्निंग का लाइक प्रॉब्लम होना शुरू होता है हमारे स्किन पे. सो यूवी सी भी होता है जो कि हम तक नहीं पहुंचता है, वो ओजोन लेयर में ही खत्म हो जाता है. और ये यूवी रे जो होता है, अल्ट्रावायलेट जो रे है, सूरज का जो लाइक रोशनी होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है. हम लोग चाहे घर के अंदर भी रह ले, घर के अंदर भी आके हमें अटैक करने का क्षमता सूरज की रोशनी रखता है. सो दिस इज वेरी वेरी हार्मफुल. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ अपने ट्रेनिंग में कि स्किन ऐसा चीज है जो कि हमारे एंटायर बॉडी को पकड़ के रखता है. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर एंटायर बॉडी, सबसे बड़ा एक ऑर्गन है. सो ये करता है, हमारे सारे बॉडी को पकड़ के रखता है और एट द सेम टाइम इट्स ए डिफेंस मैकेनिज्म. सो हम लोग लाइक हम लोग किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो हमारे हमें अगर कोई लाइक अटैक करने भी आए या फिर कोई भी खराब हो, बुरी हो, जो भी चीज हो, सो स्किन उसको पहले उसको फेस करता है. स्किन ही ऐसा चीज है जो फर्स्ट उस प्रॉब्लम को, वो अच्छा हो या खराब जो भी हो, उसको स्किन ही जाके फेस करता है. इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म, फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इसको बोला जाता है. और एट द सेम टाइम स्किन एक सेंस ऑर्गन भी है. हमारे स्किन पे अगर कोई टच करता है, वो अच्छा है या बुरा हो है, इंटेंशन जो भी हो, हमें अगर कोई टच करता है उस टाइम पे हमें फील होता है कि सामने वाला हमें किस लाइक नजरिए से टच किया है, उनका क्या इंटेंशन हो सकता है. तो ओवरऑल स्किन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. सो इस स्किन का डेली केयर रखना बहुत ही जरूरी है. सो एक प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला कि स्किन केयर लेना लाइक जरूरी है. और इसके साथ ही साथ जो हमारा जो लाइक एजिंग का जो प्रॉब्लम होता है, जैसे एवरी सेकेंड वी आर एजिंग, हम लोग लाइक हमारा जो एज है वो बढ़ रहे, तो वो फर्स्ट जो लाइक एजिंग का जो साइन होता है, कोई लेडी हो या फिर मेल हो या फीमेल हो, अगर वो उनका अगर एजिंग शुरू हो गया, वो दिन बाद दिन अगर उनका एज बढ़ रहा है, वो सिर्फ फर्स्ट स्किन में ही दिखाई देता है, दूसरा किसी में पकड़ में नहीं आता. स्किन ही ऐसा चीज है जिसमें फर्स्ट टाइम हमें सामने वाला का लाइक एजिंग हो रहा है नहीं हो रहा है समझ में आता है. और इसी के साथ इसी बीच में एक और चीज आप लोग को मेंशन करना चाहूंगी. सब हर किसी के हमारे दो एज होते हैं. एक हो गया जैसे हम लोग जब हम लोग जन्म देते हैं, जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो हो गया हमारा एक एज, और दूसरा हो गया हमारा लुकिंग एज या फिर हमारा स्किन एज. बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम लोग देखते ही एज्यूम करते हैं लाइक शायद इनका एज इतना होगा. बहुत सारे लोगों को हम लोग मिलते हैं, फिर ऐसे ही देखते देखते हम लोग अंदाजा एक लगा लेते हैं कि इनका एज कितना हो सकता है. और इसी के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग जो प्रॉपर अपना स्किन केयर नहीं करते हैं, उनको देखते ही हम लोग अगर वो 25 के भी हो, हमको देख के ऐसा लगता है कि ये 35 एज के है या फिर 40 एज के है. सो देर इज ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ एज. एक हो गया जो बायोलॉजिकल एज अकॉर्डिंग टू आवर बर्थ सर्टिफिकेट, और दूसरा हो गया जो है लुकिंग एज या फिर स्किन एज, राइट? सो मैंने तो बता दिया आप लोगों को कि सन से हमें बहुत ज्यादा लाइक नुकसान पहुंचता है. सूरज की जो किरणें है, जो भी रोशनी है, उसके साथ पॉजिटिव निगेटिव दोनों लाइक रे आता है हमें. और मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइक सन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर स्किन. हमारे स्किन के सबसे बड़े जो दुश्मन है वो सन है.
उसके साथ साथ और दूसरे भी रीजंस है और बाकी बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिसके वजह से हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो वो क्या क्या कारण है? सो नेक्स्ट कारण है जेनेटिक फैक्टर्स। कभी कभी बहुत टाइम ऐसे होता है कि मेरे जो लाइक फोर पेरेंट्स था, मेरे मम्मी या फिर मेरे लाइक नानी, अगर उन लोग की अगर स्किन खराब है तो कभी कभी हो सकता है कि मुझे भी ऐसे ही स्किन मिला है। अगर उन लोग का स्किन अच्छा है तो हो सकता है कि मुझे भी ऐसा ही स्किन मिला है। तो इन सम केसेस, हर किसी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को जेनेटिक फैक्टर्स से भी खराब स्किन मिलना शुरू मिल जाते हैं। किसी किसी को खराब हो या अच्छा हो, लाइक स्किन का जो प्रॉब्लम है वो कभी कभी जेनेटिकली भी हो सकता है। फिर हो गया फ्री रेडिकल डैमेज। सो फ्री रेडिकल एक ऐसा चीज है, जब हम लोग लाइक इवन लाइट के बीच में हम लोग रहते हैं तो जो ये हमारे जो एनवायरनमेंट है उस लाइट के जो लाइक रोशनी होते हैं जो उसमें लाइक अच्छा के साथ साथ कुछ कुछ खराब भी होते हैं। सो लाइक फ्री रेडिकल जो होता है उसमें भी एक ऐसा छोटा छोटा कुछ ऐसे लाइक पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे स्किन को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो फ्री रेडिकल से भी हमें हमारे स्किन को डैमेज होने का काफी हाई चांस है। फिर हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस। सो वैसे तो जो स्किन केयर है वो फॉर बोथ मेल एंड फीमेल है। लड़कियों को और महिलाओं को और पुरुष दोनों को ही स्किन का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। और हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में अगर मैं बता रही हूँ तो बहुत टाइम लड़कियों के लाइफ में महिलाओं के लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जैसे लाइक अगर उन लोग का फर्स्ट टाइम अगर लाइक पीरियड स्टार्ट हो रहा हो, या फिर एवरी मंथ जब हम लोग का लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, या फिर जब हम लोग बेबी कॉन्सीव करते हैं, या फिर जब डिलीवरी, तो ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जब महिलाओं के लाइफ में हार्मोनल इम्बैलेंस होना। ओके, सो ऐसे बहुत टाइम आते हैं जब महिलाओं के लाइफ में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और इसके वजह से उन लोग के स्किन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलने से जैसे आजकल हम लोग बहुत मैं बहुत ही बोलती हूँ कि हम लोग अभी कंपटीशन के दिन में आ गए हैं, हर किसी को हमें आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है। सो कहीं ना कहीं इस टाइम पे ऐसे जब हम लोग काम करते हैं इतना ज्यादा लाइक एनक्रॉस्ड रहते हैं अपने काम पे, सो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस हैंडल करना पड़ता है हमें, और इसके चलते हम लोग कभी कभी जो लाइक अच्छा डाइट है उसको फॉलो नहीं करते, अच्छा खाना पीना नहीं करते हैं, जो कि लाइक एक टाइमिंग होता है, जो स्लीपिंग एक साइकिल होता है 8 to 10 hours, 8 to 10 घंटा हमें सोना चाहिए, वो नहीं करते हम लोग कभी कभी। या फिर जो लाइक फिजिकल फिटनेस, जो कि लाइक रेगुलरली एक्सरसाइज करना या फिर लाइक पानी पीना, ऐसे बहुत चीजें होते हैं जिसको हम लोग अवॉइड करते हैं या फिर ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, उनके वजह से भी हमें स्किन में प्रॉब्लम्स दिखना या फिर डैमेजेस होना शुरू होते हैं। फिर हो गया एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे एनवायरमेंट भी बहुत सारा पोल्यूशन है, जैसे इतने सारे लाइक व्हीकल्स चल रहे होते हैं, फैक्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, सो उसी के चलते हमारे जो पोल्यूशन जो एनवायरमेंट होते हैं वो टोटली पोल्यूटेड रहते हैं, राइट? सो इसके चलते भी हमारे स्किन में लाइक प्रॉब्लम्स दिखना शुरू होते हैं। उसके साथ ही साथ जैसे सन एक्सपोजर के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला था, जो लोग बहुत ज्यादा सन में अगर निकलना होता है, धूप में निकलना होता है, तो उन लोगों के स्किन में बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट लाइक रीजन है, जो नेक्स्ट कारण है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग लैक ऑफ नॉलेज, हमें ठीक से पता नहीं होता है, ठीक से ज्ञान नहीं होता है, और उसी के चलते हम लोग कभी कभी मार्केट से ऑर्डिनरी बहुत केमिकल वाला क्लेंजर हो या फिर क्रीम हो, ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और हम लोग उसको लगाना शुरू करते हैं। तो ज्यादा ज्यादा केमिकल वाला और बहुत हर्ष अगर प्रोडक्ट हम लोग लगाएंगे तो हमारे स्किन बहुत जल्दी खराब होंगे। सो ये हो के कुछ कुछ कारण, लाइक ये जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप हर कोई यहाँ पे बिजनेस के लिए हो, आप लोग को अर्न करना है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, आगे जाना है, तो इसीलिए आप लोग वेस्टीज में हो। और हो सकता है कि आपने आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया है वेस्टीज में। सो ये जो स्किन केयर रेंज है,
इसके 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 हेल्प से भी या फिर ये स्किन लाइक स्किन केयर रेंज के को लेके भी हम लोग बहुत आप लोग बहुत बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि स्किन केयर एक ऐसा चीज है लाइक जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, जैसे अनलॉक वन शुरू हो गया, स्टिल अगर घर के अंदर जैसे हम लोग ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के लिए हर कोई घर के अंदर थे, लेकिन हो सकता है कि मैंने लिपस्टिक नहीं लगाया, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कोई ना कोई मॉइस्चराइजर लगाऊंगी ही लगाऊंगी. सो स्किन केयर इज एसेंशियल, स्किन केयर एसेंशियल में आता है और लोगों को स्किन केयर करना ही करना है, क्रीम लगाना ही लगाना है, अपना फेस धोना ही धोना है. अगर वो लाइक घर में भी रहते हैं तभी करेंगे, अगर वो बाहर जाते हैं तभी भी करेंगे. सो और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्किन केयर एक ऐसा चीज है जो कि हमें एवरी डे रिलीजियसली करना है. जैसे हम लोग गॉड को प्रे करते हैं ऐसे ही करना है. और जैसे हम लोग बिना नहाए या फिर बिना अपना टूथब्रश किए हम लोग सोच भी नहीं सकते अपना लाइफ स्पेंड करने के लिए, एग्जैक्टली स्किन केयर ऐसा ही है. अगर किसी को बढ़िया रिजल्ट चाहिए, किसी को अगर अच्छा स्किन चाहिए, ऐसा ही फॉलो करना होगा. सो आप लोग खुद भी इसीलिए इस प्रोडक्ट को अगर कोई लगा रहा है तो वेरी गुड, अगर कोई नहीं लगा रहा है तो आज ही ऑर्डर कीजिए और आज से ही लगाना शुरू कीजिए. क्योंकि जब आप खुद लगाओगे तभी आप लोग कॉन्फिडेंटली अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को या फिर अपने कस्टमर्स को बता पाएंगे. ये बहुत ही जरूरी है, खुद पहले ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? और मैं फिर से बोलूंगी अगर किसी भी स्किन केयर का अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए उसको कंसिस्टेंसी, दैट मीन्स कंसिस्टेंटली एवरी डे मिनिमम 2 बार करके लगाना बहुत ही जरूरी है, राइट? सो ये हो गया. जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम्स के बारे में बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. सो मैं ये बोल रही थी एक्चुअली जब आप लोग लाइक जाएंगे किसी को बोलने के लिए स्किन केयर रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे, उस टाइम पे आप लोग को हो सकता है कि बहुत सारा क्वेरीज आए हो. लोग सामने वाले जो कस्टमर है आपको पूछ रहे होंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मैं क्या प्रोडक्ट लगाऊं. सो जब आप स्किन केयर सेल करने जाते हो या फिर आप जब स्किन केयर रिप्रेजेंट कर रहे हो उस टाइम पे आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है. कलर कॉस्मेटिक्स कोई ऐसे भी आंख बंद करके खरीद लेंगे ऐसे ही शेड देख के, कलर देख के, लेकिन स्किन केयर खरीदने से पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं. सो उस टाइम आप लोग खुद को प्रिपेयर करके लेके जाना, अपना जो नॉलेज है उसको एनहेंस करना, सारी बातों का जानकारी रहना आप लोगों के पास, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन एक बढ़िया बात क्या है कि आप अगर एक बार किसी को बना लिया, स्किन केयर का अगर कस्टमर आपने बना लिया, वो हमेशा आपके पास लॉयल बन के रहेंगे. क्योंकि स्किन केयर अगर किसी को एक बार पसंद आता है तो वो परमानेंट बन जाता है, वो हमेशा के लिए आपके पास ही आएंगे, राइट? सो चलिए देखते हैं ये हो गया कारण, क्या क्या कारण से हमें स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं. अभी देखेंगे हम लोग हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है स्किन में. एक हो गया कारण, क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है जिसके वजह से हमारे स्किन में प्रॉब्लम आ सकता है. नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे कि हमारे स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, राइट? सो जो फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है पिगमेंटेशन एंड ए स्पॉट्स. सेकंड है रिंकल्स एंड फाइन लाइंस, डल एंड रफ कॉम्प्लेक्शन. थर्ड हो गया ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन. फोर्थ हो गया ब्लेमिशेस एंड एक्ने मार्क्स. एक्सेसिव ऑयली एंड शाइनी स्किन. देन हो गया अंडर आई, डार्क सर्कल, पफी आईज एंड क्रोस फिट. ये अराउंड 9 प्रॉब्लम्स के बारे में स्किन फॉर्मूला 9 इसीलिए दिया गया है नाम, क्योंकि ये अराउंड 9 प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं, राइट? सो यहाँ पे नंबर 6 दिया है, लेकिन हम लोग उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स कवर करेंगे. सो चलिए अभी बात करते हैं हमारा जो पहला प्रॉब्लम है वो हो गया पिगमेंटेशन एंड एज स्पॉट्स. सो जैसे अभी लाइक समर का टाइम है, गर्मी का टाइम है, जैसे अनलॉक वन शुरू हो गया है, लोग बाहर निकलने लगे हैं, और अगर जैसे लाइक एस आई सेड कि घर के अंदर रहने से भी हमें लाइक सन का जो लाइक रे है, जो यूवी अल्ट्रावायलेट रे है, उससे हमें नुकसान पहुंचता है. सो पिगमेंटेशन एक ऐसा चीज है जो कि हमें लाइक बहुत ज्यादा हम लोग अगर प्रोटेक्शन नहीं यूज किया हो, लाइक अपना लाइक स्किन में अगर सन प्रोटेक्शन फैक्टर कोई भी नहीं लगाया हम लोग, उस टाइम पे बहुत ज्यादा होने का चांस होता है, राइट? सो हमारे यहाँ पे नॉर्थ के क्या होते हैं, बहुत कम अपने स्किन को ख्याल रखते हैं, ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं. मैं देखती हूँ कोई कोई स्कूटी चला रहा है धूप में, ऐसे ही जा रहा है, लेकिन विदाउट एनी लाइक कुछ लाइक सनग्लासेस भी नहीं पहना या फिर एक स्कर्ट भी नहीं लगाया. तो उस टाइम पे लाइक पिगमेंटेशन
কিবা কারণত মই অলৱে যায় শুনি আছো এই পিগমেন্টেশন এন্ড ব্ল্যাক স্পট হই আপ লোক आप लोग बात कब करे तो मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई देगा काइंडली अभी आप लोग म्यूट कर लीजिए और मैं अपना जब प्रेजेंटेशन खत्म करूंगी उसके बाद आप लोग से मैं पूछूंगी आप लोग के पास अगर कोई भी क्वेरी हो कोई भी आप लोग को जानकारी हो लाइक लेना है तो मैं आप लोग को उस टाइम पे जो जितने भी क्वेरीज है उसको मैं सॉल्व करूंगी ठीक है सो अभी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए राइट सो हम लोग अभी बात कर रहे थे पिगमेंटेशन एंड एज स्पॉट्स के बारे में सो पिगमेंटेशन एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है जो हर लेडीज के फेस में दिखाई देता है जो हम लोग लाइक फेस में काला काला लाइक पैचेस आ जाते हैं सो ये होता है ज्यादा से ज्यादा लाइक इसका रीजन है सन सन में जो लोग बहुत ज्यादा निकलते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन उन लोगों को भी होता है और बहुत बारी जैसे हार्मोनल इम्बेलेंस के बारे में हम लोगों ने अभी बात किया था बहुत बारी आफ्टर डिलीवरी बेबी जन्म देने के बाद भी बहुत सारी महिलाओं के फेस में ये दिखना शुरू हो जाते हैं और समर पे टाइम पे क्या होता है समर के टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा स्वेटिंग कर रहे होते हैं उस टाइम में बहुत ज्यादा लाइक ऑयल निकल रहे होते हैं हमारे फेस से सो उस टाइम पे जो भी लाइक पॉल्यूशन होता है जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात किया था वो बहुत जल्दी आके हमारे स्किन में चिपक जाते हैं और उस टाइम पे अगर हम लोग प्रॉपरली क्लेंजिंग या फिर फेस वॉश नहीं करते हैं तो वही जाके हमारे स्किन में लाइक एक लेयर बैठ जाता है और वही धीरे धीरे पिगमेंटेशन बन जाते हैं और एज स्पॉट्स सो एज स्पॉट्स जैसे कभी कभी होता है कि लाइक फ्रेकल्स हो गया या फिर बहुत सारे लोगों का क्या होता है एक टाइम पे बहुत ज्यादा ऑयली स्किन था उसके बाद ऑयली स्किन के कारण से बहुत ज्यादा पिंपल्स निकल गया लेकिन धीरे धीरे पिंपल्स ठीक हो गया ऑयली स्किन भी नॉर्मल हो गया लेकिन जो लाइक ब्लैक स्पॉट्स था पिंपल्स के वो जा नहीं रहे बहुत टाइम से वो रुक गया है या फिर मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और फेस एक ऐसा चीज है जो कि लाइक हमारे पूरे इम्प्रेशन को लाइक बनाते हैं फेस और फेस में अगर कोई ऐसे लाइक मार्क आ जाए ऐसे पिगमेंटेशन आ जाए तो बहुत खराब लगता है राइट बहुत बुरा फील होता है उस टाइम पे सो अपना फेस का अपना स्किन का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है सो ये हो गया प्रॉब्लम पिगमेंटेशन एज स्पॉट्स डार्क पैचेस फ्रेकल्स एज स्पॉट्स सो इसके कारण होते हैं अगेन बहुत ज्यादा धूप में निकलने के वजह से हार्मोनल इम्बेलेंस के वजह से मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला है एक्ने के बारे में भी आप लोगों को बताया मैंने फिर लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक ठीक से जैसे मैंने बोला कि लाइक ठीक से हम लोग क्लेंजर नहीं करते तो उसीलिए चिपक जाते हैं बहुत लाइक पॉल्यूटेड थिंग्स होता है डर्ट होता है गंदगी होता है सो ये सब हो गया कारण इस सब कारण के वजह से हमें पिगमेंटेशन एज स्पॉट्स फ्रेकल्स हमारे फेस में दिखना शुरू हो जाते हैं चलिए अभी देखते हैं कि ये हो गया प्रॉब्लम के हम लोग प्रॉब्लम के बारे में एक प्रॉब्लम के बारे में या फिर कारण जो कारण है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया सो जो प्रोडक्ट है जो सोल्यूशन है उसका नाम देखते हैं सो उसका नाम है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट सो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप लोगों के पास पेन एंड पेपर है तो आप लोग थोड़ा बहुत नोट भी कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा प्रॉब्लम के लिए है ताकि आप लोग अपने कस्टमर्स को या फिर अपने पास पड़ोस के लोगों को अपने फ्रेंड्स को बहुत इजीली हेल्प कर पाओ या फिर अपने जो प्रोडक्ट्स है उसके बेनिफिट्स आप लोग बता पाओ सो हमारे जो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है ये मेनली पिगमेंटेशन के लिए है एज स्पॉट्स के लिए है फ्रेकल्स के लिए है राइट उसके साथ ही साथ अगर किसी का स्किन डल है बहुत टाइम ऐसा होता है कि सामने वाले का स्किन बहुत ही फेयर है बहुत गोरी है लेकिन उनके स्किन में बिल्कुल ही ग्लो नहीं है बिल्कुल वो जो होता है रेडियंट एक जो चमकना एक होता है वो बिल्कुल ही गायब है ऐसे स्किन टाइप में भी आप लोग ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम को दे सकते हो राइट सो ये ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट इतना लाइक स्पेशल क्यों है सो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है सो इसमें स्पेशल अराउंड 4 to 5 इंग्रेडिएंट्स है जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी सो फर्स्ट वाला है वो है क्लेरिफ्योर स्टेम सेल ब्लेंड ये बहुत ही एक स्पेशल एक इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे स्किन के अंदर हमारे बॉडी के अंदर ही मिला जाता है राइट और ये इंग्रेडिएंट्स हमें क्या हेल्प करता है हमारे जो स्किन सेल्स है उसके जो लाइक उसमें अगर कोई भी टॉक्सिन है उसको निकालने में हमें मदद करते हैं राइट इसके साथ ही साथ लाइक मेलानिन हर किसी के स्किन में होता है
मेलानिन होता है, मेलानिन अगर हमें इजी लैंग्वेज में बताऊं तो मेलानिन इज ए स्किन पिगमेंट, स्किन का कलर है, राइट? तो हर किसी के एक्सक्यूज मी, सो हर किसी के स्किन में, हर किसी के बॉडी में मेलानिन होता है, ये आप लोग ध्यान से सुनिए। कुछ कुछ टर्म ऐसे होंगे जो हो भी सकता है आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, सो इसको जानना भी बहुत जरूरी है। सो मेलानिन एक स्किन कलर है, जिसके बॉडी में सबसे बहुत ज्यादा मेलानिन होते हैं वो लोग देखने में थोड़ा डार्क होते हैं, और जिनके स्किन में मेलानिन कम होते हैं वो लोग फेयर होते हैं। लेकिन मेलानिन का ये हो गया डिसएडवांटेज, राइट? जैसे अगर कोई हर किसी को हमें फेयर बनना है, हमें गोरे बनना बहुत पसंद होता है, सो मेलानिन जिसके पास कम है तो वो गोरा बन गया, और जिसके पास ज्यादा है वो थोड़ा डार्क बनते हैं। सो ये हो गया डिसएडवांटेज। सो इसके साथ ही साथ एक एडवांटेज भी है, जिसके स्किन में ज्यादा मेलानिन होता है उनको लाइक सन प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से मिलता है, और जिनके स्किन में लाइक मेलानिन कम होते हैं तो उनके स्किन को मेलानिन इतना ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं। इसीलिए मे भी आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को लाइक समझ में आएगा, जो बहुत ज्यादा फेयर लोग होते हैं वो लोग अगर धूप में निकलते हैं तो उन लोगों के स्किन में रैशेस आते हैं, या फिर इट्सीनेस आता है, या फिर बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करना होता है। सो ये जो क्लैरिप्योर स्टेम सेल है, ये मेलानिन जो फॉर्मेशन है, मेलानिन जो लाइक फॉर्म होते हैं हमारे बॉडी में, उसको थोड़ा कम करने में हमें मदद करते हैं। इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट में, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट में डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट है। डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट हमारे स्किन को लाइटनिंग करने में हमें मदद करते हैं। दैट मीन्स हमारे स्किन में ग्लो लाएंगे, एट द सेम टाइम जो भी फ्रेकल्स है, जो भी एयर स्पॉट्स है, उसको भी कम करने में हमें मदद करते हैं। और इस प्रोडक्ट में फ्लावर वैक्स भी है, एसेंशियल नार्सिसस फ्लावर वैक्स। और ये क्या करते हैं, हमारे स्किन में एक बहुत आरामदायक, एक ठंडक सा महसूस दिलाने में हमें मदद करते हैं। इसके साथ ही साथ विटामिन B3 है, जैसे विटामिन हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा लाइक इम्पोर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल होता है हमारे स्किन के लिए। सो ये क्या करता है, अगेन हमारे स्किन में जो मेलानिन ट्रांसफर है उसको कम करता है, और हमारे स्किन को लाइक लाइट करने में, लाइक मैं गोरा नहीं बोलूंगी, लेकिन जो भी लाइक किसी का अगर थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है उसको थोड़ा लाइटन करेंगे, या फिर पिगमेंटेशन के जो कलर है उसको लाइटन करने में हमें मदद करेंगे। सो ये था ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, जो कि लाइक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। ये मोस्टली क्या काम करता है, जो मेलानिन जो प्रोडक्शन है, मेलानिन जो ट्रांसफर है, उसको बैलेंस बनाए रखने में, या फिर उसको कम करने में हमें मदद करते हैं। इसीलिए हमारे जो पिगमेंटेशन होते हैं, जो एयर स्पॉट्स होते हैं, जो भी फ्रेकल्स होते हैं, जो भी डल स्किन होते हैं, उसको ठीक करने में हमें मदद करते हैं। सो इसको लगाना कैसे है, सो एवरीडे आप लोग लगा सकते हो। और बढ़िया बात ये है कि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट इज फॉर ऑल स्किन टाइप। जैसे चार स्किन टाइप होते हैं, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन, राइट? सो सारे के सारे स्किन टाइप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, लाइक इसको यूज करने से पहले अपने स्किन को क्लेंजिंग और टोनिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसको आप लोग दो बार यूज कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो और रात में भी यूज कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ मैं क्रीम कैसे यूज करना चाहिए वो आप लोग को बता देती हूँ। मैंने अपना कैमरा ऑन किया है, सो आप लोग अगर मुझे देख पा रहे तो मैं ट्राई करूंगी आप लोग को दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाइक हाथ में ऐसे लेते हैं क्रीम को और ऐसे ऐसे रगड़ के पूरा फेस में लगाते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग, ठीक है? वैसे क्रीम नहीं लगाते हैं। सो आप लोगों को क्या करना है, जो फिंगर है उसमें से थोड़ा अमाउंट, जितना भी आपको राइट रिक्वायर्ड अमाउंट है, जितना जरूरी है, उतना लेके आपको डॉट फॉरहेड में एक डॉट लगाना है, नोज में एक डॉट, बाकी सो लाइक बाकी एरिया में यहाँ पे और यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट, राइट? उसके बाद उसको नीचे नहीं लगाना है, नीचे नहीं लाना है उसको, अपवर्ड मोशन या फिर साइड में उसको हल्के से आपको ऊपर लेके जाना है या फिर साइड में लेके जाना है, नीचे नहीं लाना है, राइट? सो ये होता है प्रोसेस क्रीम यूज करने का। लेकिन बहुत सारे लोग लाइक ठीक से पता नहीं होता है, या फिर लैक ऑफ नॉलेज, वो लोग हाथ में लगा लेते हैं क्रीम, इसको ऐसे करके ऐसे कैसे करके लगाते हैं, तो पूरा का पूरा क्रीम हाथ में रह जाता है, तो वो टोटल वेस्ट है, क्रीम फेस में पहुंचता ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि लाइक बिफोर पुटिंग एनी काइंड ऑफ क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर आपके स्किन
अच्छे से क्लेंस्ड हो, साफ कर लीजिए उसको, इवन आपका हाथ भी साफ होना चाहिए, राइट? दिस इज द प्रोसेस. चलिए मैं फिर से अपना कैमरा ऑफ कर रही हूँ, फिर से मैं वापस आऊंगी आप लोग के लाइक कैमरा ऑन करूंगी फिर से. नेटवर्क का लाइक कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैं अपना कैमरा फिर से ऑफ कर रही हूँ. ओके, सो ये हो गया यूजेस, आप लोगों को ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट कैसे यूज करना चाहिए, राइट? सो एक प्रॉब्लम हम लोगों ने कवर कर लिया ऑलरेडी, राइट? पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, ए स्पॉट्स, डल स्किन. सो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के जो पीवी है वो है 63.33, डीपी होता है 1900 और बिजनेस वॉल्यूम होता है 1136. लेकिन हमारे जो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट है इनका लाइक प्राइस रिवाइज हुआ है. अभी पुराना लाइक जो भी स्टॉक पहले का है वो जब तक खत्म नहीं हो जाते ये वाले प्राइस में आप लोगों को मिलेंगे. सो वंस एक बार हमारा अगर स्टॉक खत्म हो जाए जो नेक्स्ट स्लॉट आएगा उसमें आप लोगों को प्राइस थोड़ा रिवाइज मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग के पीवी भी हाई हो जाएंगे, राइट? ओके, सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल. ये बहुत ही लाइक एक कॉमन प्रॉब्लम है जब एजिंग शुरू हो जाता है, जैसे लोगों के एज बढ़ने लगते हैं तो रिंकल्स और फाइन लाइन्स दिखना शुरू हो जाते हैं. क्योंकि एज के साथ साथ हमारा जो एज बढ़ जाता है उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो स्किन के जो कोलाजिन होता है, जो भी इलास्टिन होता है, वो कम होने लगते हैं. कोलाजिन मतलब हमारे एक प्रोटीन है, कोलाजिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे स्किन में खाना प्रोवाइड करते हैं. जैसे हम लोग जिंदा रहने के लिए रेगुलरली खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, वैसे ही स्किन में भी खाना प्रोवाइड करते हैं कोलाजिन, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं. सो क्या होता है, हमारा जो स्किन सेल्स है वो नॉर्मली एवरी 30 to 40 days पुराना स्किन सेल निकल जाता है और नया आने लगता है. लेकिन क्या होता है, हमारा जब एज बढ़ने लगता है वो 40 days से जाके 80 days 90 days में हमारा लाइक वो जो लाइक रिन्यूअल प्रोसेस है, पुराना स्किन निकल के नया स्किन आना, वो धीरे धीरे बहुत लंबा टाइम लेने लगता है. तो उस टाइम इसी वजह से क्या होता है, हमारे स्किन में प्रोटीन का कमी हो जाता है या फिर कोलाजिन का कम होने लग, कोलाजिन का कम होने लग, कम होने के वजह से हमारे स्किन में लाइक ड्राइनेस हो जाता है और रिंकल्स दिखना शुरू हो जाते हैं. सो और फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी ताकि आप लोग के दिमाग में ध्यान से बैठ जाए कि रिंकल्स क्यों होता है या फिर फाइन लाइन्स क्यों होता है. रिंकल्स और फाइन लाइन्स दोनों सेम चीज है, लेकिन पहले फाइन लाइन्स होते हैं उसके बाद रिंकल्स होता है. रिंकल का ही इनिशियल जो वर्जन है वो है फाइन लाइन्स. एक्सक्यूज मी, आज मुझे शॉर्ट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. सो जैसे हमारा एज बढ़ने लगता है तो हमारा जो स्किन का रिन्यूअल जो प्रोसेस है, जो लाइक पुराना स्किन सेल निकल के नया स्किन निकलता है, वो प्रोसेस डिले होने लगता है. वैसे तो नॉर्मली 30 to 40 days में होता है, लेकिन एजिंग के साथ साथ वो डिले होने लगता है. दैट मीन्स 90 days हो जाता है, 100 days हो जाता है, तो इतना लंबा टाइम लेता है. इसके वजह से हमारे स्किन को प्रॉपरली कोलाजिन नहीं मिलता, कोलाजिन मतलब प्रोटीन नहीं मिलता. इसी के चलते हमारे स्किन में रिंकल्स और फाइन लाइन्स दिखना शुरू हो जाते हैं, राइट? सो क्या हो जाता है, हमारे स्किन बहुत ही डल हो जाते हैं, बहुत ही रफ दिखने लगते हैं. सो हम लोग अगर उसको कोई भी माइक्रोस्कोप से देखे तो आप लोगों को पिक्चर एक दिखाई दे रहा होगा कि हमारा स्किन ऐसे हो जाता है, बहुत खराब हो जाते हैं उस टाइम पे अगर हम लोग प्रॉपर स्किन केयर नहीं करते हैं तो, राइट? सो चलिए अभी इसका सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन है हमारे पास बहुत एक बढ़िया प्रोडक्ट है स्किन फॉर्मूला 9 के, जिसका नाम है यूट एलिक्सर. ये अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आया, लाइक बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है, राइट? सो ये क्या क्या हमें हेल्प करते हैं, जैसे हमारे जो फाइन लाइन्स है उसको ठीक करने में हमें मदद करते हैं, उसके साथ ही साथ जो स्केली स्किन है लाइक एज जैसे बढ़ते हैं हमारे स्किन ड्राई होते हैं और हमारे स्किन में से किसी किसी पार्ट में से हमारा स्किन निकलना शुरू हो जाता है, उसको भी ठीक करते हैं और एट द सेम टाइम हमारे स्किन में एक रेडियंस मतलब एक ग्लो लाने में भी हमें मदद करते हैं, राइट? सो इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, सो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो कि जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है
जो है पपाया है, सो हमें हर किसी को पता है कि पपाया बहुत ही एक हेल्दी फ्रूट है जो कि हर कोई हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं घर में बैठे बैठे। सो इसके साथ ही साथ आप लोग ये भी, जैसे मैं करती थी लाइक जब भी मुझे चांस मिलता है, मौका मिलता है, मैं करती हूँ कि खाने के साथ साथ हाथ में जो थोड़ा बहुत पपाया लगा हुआ होता है उसको मैं अपने फेस में लगा लेती हूँ, या फिर मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी देखा है जो भी लाइक एक्स्ट्रा बच जाता है पपाया उसको अपने स्किन में लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत सदियों से ये एक ट्रेडिशन है, बहुत पुराने टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हमारे जो लाइक पुराने लोग है वो लोग भी इसको लाइक फेस का एक बहुत एक बढ़िया प्रोडक्ट जैसे इसको यूज करते हैं। तो ये इसमें लाइक बहुत ही रिच विटामिन ए है जो कि हमारे जो रिंकल्स है उसको इम्प्रूव करने में हमें मदद करते हैं, राइट हमारे जो रिंकल्स के अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव करने में हमें मदद करते हैं। इसके साथ ही साथ सुषुहासी एक्सट्रैक्ट अगेन एक लाइक प्लांट है, एक वेजिटेबल है जो कि अश्वगंधा जो बोला जाता है, ये अगेन एक स्किन हीलिंग टॉनिक है, ये भी अगेन बहुत पुराने टाइम से स्किन रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसको लगाया जाता था। तो ये अगेन स्किन हीलिंग एक टॉनिक है, स्किन की किसी भी बीमारी को ठीक करने में हमें मदद करते हैं। इसके साथ ही साथ एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब है इसको लगाने से आपको किसी के तरीके का लाइक जलन भाव होना या फिर स्वेलिंग होना किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंटी ऑक्सीडेंट मीन्स आपको ये आपके जो एजिंग प्रोसेस है उसको भी डिले करने में आपको मदद करेंगे। इसके साथ ही साथ ये प्रोडक्ट इतना स्पेशल क्यों है इसका एक रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि इस प्रोडक्ट में 24 कैरेट गोल्ड डस्ट है जो कि किसी भी कंपनी में किसी भी जगह में कोई भी क्रीम नहीं दे सकता या फिर है ही नहीं। तो ये बहुत ही स्पेशल एक इंग्रेडिएंट है, एक स्पेशल क्रीम है जहाँ हमें 24 कैरेट गोल्ड डस्ट भी मिल रहा है जो कि हमें एक इंस्टेंट ग्लो देने में, हमारे चेहरे में एक इंस्टेंट ग्लो देने में हमें मदद करेंगे। एंड अगेन दिस हैज एंटी एजिंग बेनिफिट्स, दैट मीन्स हमारे जो एजिंग के लिए जो भी हमारे फेस में जो लाइक हमें साइन दिखने लगे हैं, जो भी लाइक फाइन लाइंस या फिर जो भी लाइक एजिंग का जो भी सीन होता है, जो भी सिंबल होता है या फिर जो भी लाइक साइन होता है उसको लाइक डिले करने में, उसको लाइक ठीक करने में, हील करने में हमें मदद करते हैं। इसके साथ ही साथ विटामिन सी भी है इस प्रोडक्ट में। सो विटामिन सी क्या करते हैं, हमारे स्किन में प्रोटीन या फिर कोलाजिन बूस्ट करने में हमें मदद करते हैं, क्योंकि कोलाजिन कम होने के वजह से ही, प्रोटीन कम होने के वजह से ही हमारे स्किन में रिंकल्स दिखने शुरू होते हैं। तो विटामिन सी हमें कोलाजिन प्रोवाइड करने में, हमारे स्किन में प्रोटीन देने में हमें मदद करते हैं। एट द सेम टाइम विटामिन सी हमारे रिंकल्स को रिड्यूस करते हैं, हमारे जो स्किन के जो फार्मनेस है, जो इलास्टिसिटी है उसको भी ठीक करने में हमें मदद करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है जो कि एज ए एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एजिंग प्रोडक्ट आप लोग यूज कर सकते हो, क्योंकि लाइक बहुत सारे लोगों के आफ्टर 25 इयर्स ही लाइक रिंकल्स या फिर फाइन लाइंस दिखना शुरू हो जाते हैं। तो मैं बोलूंगी कि आप लोग ये प्रोडक्ट को जरूर जरूर लगाए, राइट। सो इसको कैसे लगाना है, जैसे अगेन इस प्रोडक्ट को लगाने से पहले भी आप लोग को क्लेंजिंग और टोनिंग कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे कि आप लोग को थोड़े देर पहले मैंने अपना वीडियो ऑन करके दिखाया था कैसे लगाना है क्रीम, सो एक्जेक्टली इसको भी वैसे ही लगाना है। सो जितना भी आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है, जितना भी आपको चाहिए उतना अमाउंट आप ले, और उसके साथ ही साथ आप लोग लाइक ये भी ध्यान में रखें कि आप फेस में जब लगा रहे हो तो नेक एरिया में भी लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रिंकल्स होता है, जो फाइन लाइंस होता है या फिर जो एजिंग का जो भी सीन होता है वो गले नेक एरिया में भी दिखना शुरू हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे स्किन के बारे में हम लोग बोल रहे थे कि एजिंग का साइन स्किन में दिखाई देता है, वो नेक पार्ट में ही फर्स्ट दिखाई देता है, नेक में ही फर्स्ट रिंकल्स आता है। सो नेक में भी इस प्रोडक्ट को या फिर इस क्रीम को लगाना बहुत जरूरी है। सो आप लोग दिन में भी लगा सकते हो, रात में भी लगा सकते हो। सो इसको मिनिमम दो बार फॉलो करना, दो बार यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जैसे कि आप लोग हर कोई बिजनेस कर रहे हो तो पीवी डीपी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो यूथ एलेक्सर का जो पीवी है वो है 48.33 और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 1450, राइट। सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, वो है ड्राई स्किन के बारे में, राइट। मैंने थोड़ा देर पहले आप लोगों को बोला था कि चार
चार टाइप का स्किन होता है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन, राइट। सो इसमें से सबसे जो प्रॉब्लमेटिक स्किन होता है वो ड्राई स्किन होता है, राइट। सो ड्राई स्किन को बहुत एक्स्ट्रा केयर लेने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राई स्किन में ही सबसे जल्दी एजिंग शुरू होता है। एजिंग का जो भी लाइक रूल्स होता है, जो भी नियम होता है, वो फर्स्ट ड्राई स्किन में ही दिखने लगते हैं, राइट। आई रिक्वेस्ट, एक जो भी स्क्रीन में ये ड्रॉइंग कर रहे हैं, प्लीज इसको रिमूव कर दे ताकि दूसरा लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन के बारे में, राइट। सो लाइक इतना ज्यादा ड्राई क्यों होता है हमारा स्किन, राइट। सो बहुत टाइम क्या होता है, आप लोग लाइक ये प्रेजेंटेशन में जो शेयर करके रखी हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि लॉस ऑफ हाइड्रोलिपिड फिल्म। ये हाइड्रोलिपिड फिल्म क्या होता है? सो हाइड्रोलिपिड फिल्म कोई नहीं, हमारे बॉडी से जो लाइक स्वेट निकलता है, राइट। जब हम लोग स्वेट करते हैं, जब स्वेटिंग कर रहे होंगे, उस टाइम पे पानी के साथ साथ हमारा जो बॉडी का जो नेचुरल ऑयल है वो भी निकल जाता है, राइट। तो इसी के चलते अगर बहुत ज्यादा हम लोग स्वेट करते होंगे, तो इसी के चलते उसके साथ पानी के साथ साथ जैसे कि हमारा नेचुरल ऑयल भी हमारे बॉडी से या फिर हमारे स्किन से निकल जाते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग अपने मॉइस्चराइजर जो होता है स्किन का या फिर जो नमी होता है उसको खो देते हैं। इसी के चलते हमारे स्किन बहुत ज्यादा लाइक ड्राई हो जाते हैं। सो जिसका ऑयली स्किन होता है, मे बी उन लोगों का क्या फायदा हो जाता है कि जितना भी स्वेट करने से भी उन लोगों का पूरा ऑयल नहीं निकल जाता है। लेकिन ड्राई स्किन का क्या होता है, वो लोग लाइक ऑलरेडी उन लोगों के स्किन में थोड़ा कम ऑयल होता है, तो स्वेटिंग के साथ साथ उन लोगों का जब ऑयल निकल जाता है उस टाइम पे उन लोगों का स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, और ड्राइनेस के वजह से अपने जो मॉइस्चराइजर है, जो भी नमी है, उसको खो देते हैं, और इसी के चलते ड्राई स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डल हो जाते हैं, और स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता है, और स्किन अनइवन दिखने लग जाते हैं। अनइवन मतलब स्किन के चारों तरफ का जो फेस का जो चारों तरफ का कलर होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, एक गाल में अलग कलर तो दूसरा कलर में अलग कलर, उसको पैची स्किन बोला जाता है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, बहुत ज्यादा हर्श या फिर बहुत केमिकल वाला हम लोग अगर कोई भी फेस वॉश से अगर अपना फेस धोते हैं, उस टाइम पे भी हमारे स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, राइट। सो ड्राई स्किन का ये हो गया, हम लोग प्रॉब्लम बात कर लिया, अभी सोल्यूशन क्या है हमारे पास ड्राई स्किन के लिए क्या है। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनका नाम है इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। सो इनका नाम ही काफी है, इनका बेनिफिट जानने के लिए नाम में ही सब कुछ लाइक बताया गया है, इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखेगा। सो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, ये प्रोडक्ट जैसे जो ड्राई स्किन है उसको डिहाइड्रेट करेगा। दैट मीन्स जो जितना भी ऑयल या फिर जितना भी पानी चाहिए होता है हमें, उसको प्रोवाइड करेंगे। हमारे जो जैसे पैची स्किन के बारे में बोला था, पैची स्किन मतलब जैसे मैं फिर से कैमरा ऑन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। सो पैची स्किन जो होता है, कभी कभी ऐसे छोटा छोटा राउंड राउंड लाइक व्हाइट यहाँ पे थोड़ा व्हाइट, यहाँ पे थोड़ा व्हाइट, यहाँ पे थोड़ा व्हाइट, या फिर इसी एरिया में या फिर फॉरहेड में, बहुत सारे लोगों का जिनका ड्राई स्किन होता है तो उन लोग का पैची स्किन होता है, बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द हाइड्रेशन, जो भी मॉइस्चराइजर है वो कम होने के वजह से बहुत सारे ड्राई स्किन में हमें पैची स्किन दिखना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ स्केली स्किन मतलब आप लोग ध्यान देने से, ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, ज्यादातर इतना ओवर ड्राई हो जाते हैं लोगों के स्किन में से, फेस के स्किन में से छोटा छोटा लाइक फट फट के स्किन निकलना शुरू हो जाता है। कभी कभी लाइक फीट में भी, पैरों में भी होता है, या फिर स्किन में भी होता है जिनका ओवर ड्राई होता है, राइट। फोरहेड में से स्किन निकलना शुरू होता है, तो ये जो इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम है ये उन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, जो कि हमारे स्किन में लाइक जो भी स्किन का नमी है, जो भी मॉइस्चराइजेशन जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखने में हमें मदद करते हैं।
सो अगेन अभी बात करेंगे कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है या फिर इतना स्पेशल क्यों है ये प्रोडक्ट, राइट? सो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है उनका नाम है मल्टी फंक्शनल मॉइस्चराइजिंग कम्प्लेक्स. सो ये क्या करते हैं, हमारे स्किन के जो नमी है, जो मॉइस्चराइजर है, उसको रिटेन करके रखने में, दैट मीन्स को बनाए रखने में हमें मदद करते हैं. एट द सेम टाइम हमारे जो चारों तरफ जो एटमोस्फियर है उसमें से भी हमें वाटर एब्जॉर्ब करने में हमें मदद करते हैं, राइट? सो एटमोस्फियर मतलब, जैसे एटमोस्फियर के बारे में तब भी मैंने बोला था कि फ्री रेडिकल्स के बारे में, राइट? सो फ्री रेडिकल्स एटमोस्फियर से ही हमें मिलते हैं. तो हर एटमोस्फियर में पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है. तो सो ये जो मल्टी फंक्शनल मॉइस्चराइजिंग कम्प्लेक्स है ये हमें मदद करते हैं कि हमारे चारों तरफ का जो एटमोस्फेयर है उसमें से हमें हमारे स्किन को वाटर एब्जॉर्ब करके देने में हमें मदद करते हैं. इसके साथ ही साथ है इसमें आइसलैंडिक मॉस. सो आइसलैंडिक मॉस एक ऐसा लाइक इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे सेल्स में, हमारे स्किन में जो भी वाटर है उसको स्टोर करके रखने में हमें मदद करता है, ताकि उसको वाटर को बाहर ना जाने दे, उसको हमारे स्किन के अंदर ही, हमारे सेल के अंदर ही उस वाटर को, उस पानी को लाइक स्टोर करके रखने में हमें मदद करते हैं, ताकि हमारा स्किन का जो मॉइस्चराइजर लेवल है वो बनाए रहे, राइट? इसके साथ ही साथ यहाँ पे इस प्रोडक्ट में, इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम में मैकाडेमिया नट ऑयल है एंड कोकोनट ऑयल है. सो कोकोनट ऑयल अगेन हम लोगों, हर किसी को पता है कि ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यूजफुल है. हम लोग बचपन से इसको, कोकोनट ऑयल को अपने लाइक हेयर पे लगा के आए हैं. तो ये स्किन के लिए भी बहुत ही बढ़िया है. इवन हमारे इंडिया में लाइक बहुत सारे जगहों पे इसको कंज्यूम भी, खाते भी है लोग, इसके इस ऑयल के साथ कुक भी करते हैं. सो इस प्रोडक्ट में कोकोनट ऑयल है जो कि अगेन हमारे फेस में या फिर हमारे स्किन में एक बहुत ही आरामदायक या फिर बहुत ही एक सूदिंग या फिर एक मॉइस्चराइजिंग लाइक फील हमें देता है, राइट? और इसके साथ ही साथ जो मैकाडेमिया ऑयल है ये हमें एंटी एजिंग बेनिफिट देने में हमें मदद करते हैं. दैट मीन्स हमारे जो एजिंग प्रोसेस है उसको पीछे पीछे ढकेल देता है या फिर डिले कर देता है. सो ये हो गया स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि हमारे इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम में मौजूद है, जो कि हमारे लाइक ड्राई स्किन या फिर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड स्किन को ठीक करने में हमें मदद करते हैं. जो भी वाटर लॉस है स्किन का उसको रिटेन करके रखने में हमें मदद करते हैं. सो ये ड्राई स्किन के लिए बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट है. और इसके साथ ही साथ मैं बोलूंगी कि बहुत सारे लोगों का क्या होता है, ड्यूरिंग समर गर्म दिन के टाइम में भी अपना स्किन बहुत ड्राई होते हैं. तो लाइक ऐसा मत सोचे कि ये जो इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम है ये सिर्फ विंटर के लिए है, ये सिर्फ ठंडा दिनों के लिए है सर, लाइक समर में इसका यूज नहीं, ऐसा नहीं है. क्योंकि बहुत सारे लोगों का समर के टाइम पे भी स्किन बहुत ड्राई होते हैं, राइट? सो ये क्रीम आप लोग अभी भी लगा सकते हो, बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है. सो इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम का जो पीवी है वो है 40 रुपीज और 40 PV एंड डीपी है 1200, राइट? सो चलिए अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे. वो है ब्लेमिशेस एंड एक्ने मार्क्स, राइट? सो ब्लेमिशेस एंड एक्ने मार्क ये समर के टाइम पे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था थोड़ा देर पहले कि समर के टाइम पे हम लोग जब बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हमारा स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है, बहुत ज्यादा शाइनी हो जाता है. और उस टाइम पे जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत जल्दी आके हमारे स्किन में चिपक जाता है, राइट? और उसको अगर हम ठीक से क्लीन नहीं करते, ठीक से अगर साफ नहीं करते, तो उसमें से हमें लाइक ब्लेमिशेस होने का चांसेस होता है, एक्ने होने का चांसेस होता है, एट द सेम टाइम पिगमेंटेशन होने का भी चांस होता है. सो जैसे मैंने बोला कि एक्सेसिव ऑयलीनेस के वजह से, सो ये ऑयल कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक सिंपल सा एक लाइक चीज है जो कि मैं थोड़ा आप लोग को बताना चाहूंगी. लाइक सीबम एक चीज होता है हमारे स्किन में, सीबाशियस ग्लैंड करके ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, राइट? सो ऑयल एक्चुअली हमारे बॉडी के लिए या फिर हमारे स्किन के लिए जरूरी भी है. जो एक नेचुरल हमारा बॉडी का, अपने स्किन का, एक हर किसी के स्किन में एक नेचुरल एक ऑयल होता है, वही ऑयल हमारे स्किन के जो मॉइस्चराइजेशन है, जो भी नमी है उसको बरकरार रखते हैं, राइट? लेकिन यही चीज, ये जो सीबाशियस ग्लैंड होते हैं
वो क्या होते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो जिनका बहुत, जिनके स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो जाते हैं उनका एक्सेस ऑयली हो जाता है। तो आप लोग इसीलिए क्या होता है, किसी का स्किन ऑयली होता है, किसी के स्किन ड्राई होता है, क्योंकि हर किसी के बॉडी में सीबाशियस ग्लैंड अलग अलग करके लाइक काम करते हैं। सीबाशियस ग्लैंड का फंक्शन हर किसी के बॉडी में अलग अलग होता है। तो किसी के बॉडी में ज्यादा करके प्रोड्यूस हो जाता है और किसी के स्किन में कम करके प्रोड्यूस होता है। तो जिसके स्किन में ज्यादा करके मेलानिन प्रोड्यूस हो जाता है तो उस टाइम पे उन लोग का स्किन ऑयली हो जाता है, और बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ऑयलीनेस ये सब प्रॉब्लम्स जो ब्लेमिशेस है, एक्ने है, वो सब निकलना शुरू होते हैं। इवन हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसके वजह से भी ब्लेमिशेस आते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था कि लाइक इफ आई टेक एग्जांपल फॉर द फीमेल्स, लड़कियों का एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ तो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उन लोगों को लाइक बहुत सारे लड़कियों के फेस में ब्लेमिशेस आते हैं, राइट। सो ईटिंग हैबिट के वजह से अगर हम लोग बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स खाते हैं या फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं उस टाइम पे भी पिंपल्स या फिर एक्ने निकलना शुरू होते हैं। सो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है ब्लेमिश जेल। सो ब्लेमिश जेल अगेन बहुत एक यूजफुल, बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है फॉर लाइक ऑयली स्किन पीपल। ये डेली यूज करने का बहुत एक लाइक स्पेशल प्रोडक्ट है। सो ये क्या करते हैं, जो मैंने प्रॉब्लम्स बताया है उन सबको ठीक करने में, हील करने में हमें मदद करते हैं। सो इसमें इंग्रेडियंट्स क्या क्या है। सो जो फर्स्ट इंग्रेडियंट है प्री एंड प्रोबायोटिक सिम्बायोटिक कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है, हमारे जो स्किन का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको लाइक एक्टिव करके रखता है, राइट। सो मैंने फर्स्ट लाइक सेशन स्टार्ट करते ही आप लोगों को बोला था कि स्किन हमारे एंटायर बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, राइट। स्किन ही हमें हमारे बॉडी को लाइक फर्स्ट एक प्रोटेक्शन लेयर है, जो स्किन ही हमें हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। सामने से जो भी खराब हो, ये जो भी अच्छा हो, जो भी चीज आता है, स्किन ही जाके उसको लेता है फर्स्ट टाइम, राइट। सो ये जो प्री एंड प्रोबायोटिक सिम्बायोटिक कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे लाइक स्किन के जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको एक्टिव करके रखता है, जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है उसको एक्टिव करके रखता है। एट द सेम टाइम हमारे स्किन को स्मूथ और स्किन का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखने में मदद करते हैं, क्योंकि जिनका ऑयली स्किन होता है उन लोग का स्किन में इवन बहुत सारे ब्लैक हेड्स भी दिखना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ब्लेमिशेस, बिकॉज ऑफ द एक्ने, स्किन बहुत ही रफ हो जाते हैं। सो स्किन को स्मूथ बनाए रखने में ये मदद करते हैं। तो एट द सेम टाइम यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड है जो कि स्किन को हाइड्रेट करके रखता है, दैट मीन्स ऑयलीनेस को कम करता है। और उसके साथ ही साथ जो भी लाइक इम्प्योरिटीज घुस जाते हैं हमारे स्किन में, जो भी डर्ट, जो भी पॉल्यूशन लाइक घुस जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, उसको भी एक्सफोलिएट करके निकालने में हमें मदद करते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसके साथ ही साथ इस प्रोडक्ट में टी ट्री ऑयल भी है, जो कि टी ट्री ऑयल हमें एज ए एंटी बैक्टीरियल, एज ए एंटी फंगल और एज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हमें प्रोवाइड करते हैं। एंटी बैक्टीरियल बोलने से आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी तरीके का बैक्टीरिया को किल करने में, बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। सो ये जो पिंपल्स होते हैं, एक पिंपल्स के बाद दूसरा पिंपल निकल जाता है, सो ये बैक्टीरिया के वजह से ही होता है, क्योंकि बैक्टीरिया पिंपल्स को, पिंपल्स एक बैक्टीरिया ही है एक्चुअली, तो वो स्प्रेड हो जाते हैं एक जगह से दूसरा जगह, एक निकला था नेक्स्ट डे देखेंगे कि और निकल गया, तो इसको लाइक बैक्टीरिया को किल करते हैं। और लाइक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सो अगेन इसको लाइक ये किसी भी तरीके का लाइक स्वेलिंग हो या फिर किसी भी तरीके का जलन हो उसको भी ठीक करने में हमें मदद करते हैं। सो इसके साथ ही साथ यूकेलिप्टस ऑयल है, जो कि अगेन एज ए एंटीसेप्टिक काम करते हैं हमारे स्किन में, हमारे स्किन के जो भी इम्प्योरिटीज है उसको प्योर करने में हमें मदद करता है, और एट द सेम टाइम जो भी एक्ने है, जो भी पिंपल्स है उसको भी लाइक खत्म करने में, उसको भी हील करने में हमें मदद करते हैं। सो ये हो गया ब्लेमिश जेल का इंग्रेडिएंट्स। सो इसको लगाना कैसे है, सो इसका मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, इसको लगाना बहुत ध्यान से लगाना है आप लोगों को। सो ये है, दिखने में ब्लेमिश जेल ऐसा है, ओके। सो ब्लेमिश जेल को हाथ से नहीं लगाना है, डायरेक्टली जो भी आपका टारगेटेड एरिया है, जिस जिस एरिया में आपका ब्लेमिश है, जिस जिस एरिया में आपका एक्ने है, सिर्फ उस एरिया में डायरेक्टली इसको लगाना है, हाथ में नहीं डालना है, राइट। क्योंकि हाथ में किसी भी तरीके का अगेन बैक्टीरिया हो या फिर कोई भी गंदगी रहने का चांसेस होता है, तो ये जैसे कि बहुत ही लाइक एक ट्रीटमेंट है फॉर एक्ने, फॉर ब्लेमिश। सो इसको बहुत सावधानी से आप लोगों को लगाना है।
सो समझ में आ गया होगा पिक्चर देख के कि इसको कैसे यूज करना है. सो इसको डायरेक्टली यही जो स्पैटुला है उससे डायरेक्टली अपने टारगेटेड एरिया में लगाना है. सो ध्यान में रखिए, इसको सारे फेस में नहीं लगाना है, सिर्फ टारगेटेड एरिया में ही लगाना है. सो इसका जो पीवी है वो है 28.33 और बीवी है सॉरी डीपी है 850. और मैं सजेस्ट करूंगी ब्लेमिशेल अगर आप सिर्फ रात को ही लगाए तो भी चलेगा. सो क्लेंजिंग टोनिंग करने के बाद इसको लगाना है, उसके बाद अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर फॉलो करते हैं तो और भी बढ़िया है, राइट. सो और एक प्रोडक्ट है उसको वो प्रोडक्ट के बारे में और दो प्रोडक्ट है वो दो डिस्कस करने के बाद मैं आप लोग को अगर एक ही टाइम पे अगर आप लोग तीन चार प्रोडक्ट एक साथ ले रहे हैं तो कौन सा कैसे लगाना है उसके बारे में भी बताऊंगी. सो पहले इसको खत्म कर लेंगे हम लोग. ओके, जो हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक्सेसिव ऑयलीनेस एक्सेसिव शाइनी स्किन के लिए, राइट. सो हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं ऑयली स्किन के बारे में और ऑयली स्किन के प्रॉब्लम्स के बारे में. सो रेगुलरली आप लाइक कैसे अपने स्किन को, अगर आपका ऑयली स्किन है तो कैसे आप ध्यान रख सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया कि अगर किसी का बहुत ज्यादा ऑयली है तो क्या होता है कि पोर्स दिखने ब्लैक हेड्स दिखने लगते हैं, पोर्स ओपन पोर्स हो जाते हैं. सो ओपन पोर्स होने के वजह से उसी पोर्स में लाइक धूल मिट्टी घुस जाने के वजह से वो ब्लैक हेड्स होने लगते हैं, राइट. और पिंपल्स निकलते हैं. सो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑयली स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है. सो अगेन कॉजेस होता है, कारण होता है, अगर हम लोग ठीक से अपना स्किन ठीक से क्लीन नहीं करते हैं या फिर टोनिंग नहीं करते हैं या फिर बहुत सारे लोगों का ये हैबिट होता है कि बहुत ज्यादा अपने फेस को धोते हैं, बहुत ज्यादा कॉशियस होने के वजह से एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने के वजह से बार बार धोते रहते तो स्किन का जो अपना खुद का जो ऑयल है वो खत्म हो जाते हैं, उसके वजह से भी बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, राइट. सो अभी सोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे. सो एक्सेस ऑयलीनेस का जो सोल्यूशन है, जो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया ब्लेमिशेल, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है डीप क्लेंजिंग ऑयल फेस वॉश. सो डीप क्लेंजिंग ऑयल एक क्लेंजर है, एक फेस वॉश है जो कि हमारे जो स्किन के जो ऑयलीनेस है उसको कम करने में हमें मदद करेंगे. और इसके साथ ही साथ बढ़िया बात क्या है, इस प्रोडक्ट को हम लोग लाइक ऑयल कम करने के लिए यूज करते हैं लेकिन एट द सेम टाइम साथ ही साथ हम लोग सेंसिटिव या फिर ड्राई स्किन लोग भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं. ये एक यूएसपी है, इस प्रोडक्ट का खासियत है, राइट. सो स्किन का जो भी लाइक नेचुरल जो मॉइस्चराइजर लेवल है उसको मेंटेन करके रखने में हमें मदद करते हैं. सो इनका इंग्रेडिएंट्स देखेंगे हम लोग. सो जैसे मेरी बॉस बोलती है एक बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है उनका एक बात, एक एग्जांपल आप लोग को बहुत इजीली समझने के लिए वो बोलते हैं, तो मैं भी आप लोग को बताना चाहूंगी कि किसी भी ऑयल को साफ करने के लिए हमें हमेशा ऑयल ही यूज करना होता है, राइट. ऐसे जैसे अगर हर किसी के घर में लाइक सिमनी होता है, राइट, तो सिमनी जब पूरे ऑयल से लाइक भर जाते हैं तो उसको भी साफ करने के लिए हम लोग ऑयल ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल को पानी से हम लोग साफ नहीं कर सकते, राइट. सो इस जो ये जो डीप क्लेंजिंग ऑयल है, जो फेस वॉश है, इसको चार अलग 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 स्पेशल ऑयल से बनाया गया है. जो फर्स्ट ऑयल है वो है एंडीरोबा ऑयल. सो एंडीरोबा ऑयल अगेन हमारे स्किन में जाके हमारे स्किन में, सो एंडीरोबा जो ऑयल है ये हमारे स्किन पे लाइक एक आराम, एक ठंडक सा, एक आराम, एक रिलैक्सेशन फील कराने में हमें मदद करते हैं. फिर कस्टर्ड सीड ऑयल है. कस्टर्ड सीड ऑयल अगेन हमारे जो स्किन का जो मॉइस्चराइजेशन लेवल है, जो भी नमी है उसको बरकरार रखने में हमें मदद करते हैं, क्योंकि ये जो कस्टर्ड सीड ऑयल है ये बहुत इजीली हमारे स्किन में पेनिट्रेट होते हैं. तो हमारे स्किन के तीन लेयर होते हैं, जैसे जो फर्स्ट लेयर है उनका नाम है एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर है डर्मिस और थर्ड लेयर है हाइपोडर्मिस. तो ये जो कस्टर्ड सीड ऑयल है ये बहुत इजीली हमारे लाइक फर्स्ट स्किन लेयर में भी जाता है, उसके साथ साथ सेकेंड स्किन लेयर में भी जाके घुस के हमें हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने में हमें मदद करते हैं, राइट. सो इसके साथ ही साथ स्वीट और एलमंड ऑयल है. सो स्वीट एलमंड ऑयल अगेन बहुत ही लाइक रिच विटामिन होता है इसमें. सो अगेन ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही एक हेल्दी एक इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे स्किन को लाइक लाइटन करने में या फिर नरिश करने में मदद करते हैं अंदर से. सिर्फ ये नाम ही है डीप क्लेंजिंग ऑयल. तो ये जो डीप क्लेंजिंग ऑयल फेस वॉश है ये बहुत अच्छी तरीके से
स्किन के अंदर तक जाके हमें साफ करने में मदद करते हैं. सो बेरी कॉम्प्लेक्स ऑयल है अगेन जो हमारे लाइक जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं उसके जो नेचुरल ऑयल होते हैं जो हाइड्रेशन लेवल होते हैं उसको रिस्टोर करके रखने में उसको मेंटेन करके रखने में मदद करते हैं. राइट. सो इनको यूज कैसे करना है. सो डीप क्लेंजिंग ऑयल को कैसे यूज करना है मैं फिर से अपना कैमरा ऑन करके आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करूंगी ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए. तो खुद भी यूज कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, कस्टमर्स को भी बताइए, ज्यादा से ज्यादा सेल करे. तो मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रही हूँ. ओके. तो गलती से मुझे म्यूट कर दिया गया था. ओके. सो डीप क्लेंजिंग ऑयल को कैसे यूज करना है. सो जब भी हम लोग कोई भी फेस वॉश जब यूज करते हैं सो फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली अपने फेस को भिगो लेते हैं पानी से. राइट. सो हम लोग बाथरूम में जाते हैं या फिर बेसिन में जाते हैं तो फर्स्ट हम लोग अपना फेस को धो लेते हैं. सो कभी भी वो नहीं करना है, वो रॉन्ग है. राइट. सो फेस को ड्राई ही रहने दीजिए, फेस को ड्राई ही रहने दीजिए. उसके बाद आप लोग को जो भी जितना भी चाहिए लाइक फेस वॉश का या फिर क्लेंजर का जितना भी क्वांटिटी चाहिए उतना लीजिए. लेके उसको फिंगर से अपने उंगलियों से उसको धीरे से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऐसे एक बार और ऐसे एक बार उल्टा से एक बार करके धीरे से अराउंड 30 सेकेंड आपको मसाज करना है. ठीक है. तब तक कोई पानी नहीं लगाना है. उसके बाद अराउंड 30 सेकेंड मसाज करने के बाद फ्यू ड्रॉप्स थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेना है, अपने फिंगर टिप्स में लेना है. लेके उसको अगेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. तो ये बहुत बढ़िया से एक लोशन जैसा जो भी आपने पहले डीप क्लेंजिंग ऑयल का जो फेस वॉश थोड़ा लिया था उसके बाद थोड़ा आप लोगों ने पानी ऐड किया वो दोनों मिलके बहुत बढ़िया एक लोशन जैसा फॉर्म होगा. और ये बहुत सुंदर तरीके से आपके स्किन के अंदर भी जाके आपको जो भी लाइक इम्प्योरिटीज है जो भी लाइक खराब है जो भी चीजें घुस गए थे स्किन में उसको साफ करने में आपको मदद करेंगे. तो क्या होता है आपका ब्लैक हेड्स हो जो भी है इम्प्योरिटीज है वो बहुत इजिली निकल जाएंगे और आपका स्किन जो है बहुत इजिली सांस ले पाएंगे. राइट. सो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टिप है, बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कि आप लोगों को ड्यूरिंग फेस वॉश या फिर ड्यूरिंग क्लेंजर आप लोग को ये फॉलो करना है. सो आज से अगर आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं हर कोई जाते हैं फेस को भिगोते हैं हाथ में थोड़ा लेते हैं ऐसे ऐसे करके धोते हैं तो उस टाइम पे फेस बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाते हैं, पानी पानी हो जाते हैं. तो जो भी आपका फेस वॉश है जो भी क्लेंजर है आपके स्किन को इतना बेहतरीन तरीके से साफ नहीं कर पाते हैं. तो हमेशा पहले आपको पानी नहीं भिगोना है अपने फेस को, सिर्फ हाथ में लेके करना है. उसके बाद थोड़ा टाइम बाद थोड़ा सा पानी ऐड करना है. ठीक है. आई थिंक मैं आप लोगों को ठीक से समझा पा रही हूँ. यस मैम. ओके. सो डीप क्लेंजिंग ऑयल फेस वॉश ऐसे यूज करना है और आप लोगों को दिन में एक बार रात में एक बार मिनिमम दो बार इसको फॉलो करना ही है. सो ये हो गया डीप क्लेंजिंग ऑयल का पीवी 40, फिर हो गया डीपी हो गया 1200. राइट. सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. नेक्स्ट हो गया ओके अंडर आई डार्क सर्कल पफी आईज एंड क्रोस फीट. सो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था कि हमारे जो हैबिट है लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया आजकल. हम लोग बहुत ज्यादा हमें अपने मोबाइल में हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग टेलीविजन देखते हैं तो टेलीविजन का जो ब्लू लाइट्स है उसमें से हमें लाइक बहुत खराब तरीके से इफेक्ट होते हैं. बहुत ज्यादा हम लोग मोबाइल देखते हैं उसके चलते बहुत जल्दी आजकल बहुत कम एज में ही आंखों के अंदर डार्क सर्कल्स निकलना शुरू हो जाते हैं या फिर पफी आईज आंखों के नीचे आंख स्किन फूलने लगते हैं या फिर क्रोस फिट मतलब मैं फिर से आप लोग को दिखाती हूँ. हमेशा ध्यान दीजिए ये एरिया में आंख के ये एरिया में एक हल्का हल्का सा लाइंस दिखना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं क्रोस फिट. राइट. सो बहुत टाइम में क्या होता है लाइक जो भी मैंने रीजंस बोला कि बहुत ज्यादा हम लोग मोबाइल देखते रहते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं या फिर रात को ठीक से नहीं सोते हैं उसके वजह से बहुत कम एज में ही आजकल. पहले हम लोग इसको लाइक जब एज हो जाते हैं लाइक अराउंड जब 50 प्लस होते थे उस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स देखते थे या फिर बहुत ज्यादा जो लोग स्पेक पहनते हैं लाइक सो उन लोगों के स्किन आंख में दिखाई देते थे. लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम हो गया कि लाइक कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो होते हैं उनके लाइक आंखों में भी ये दिखना शुरू हो गया. तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत एक स्पेशल प्रोडक्ट है
जिनका नाम है अंडर आई सीरम, राइट। सो अंडर आई सीरम ये तीनों के तीनों लाइक एक स्पेशल बात क्या है, आपको मार्केट में भी लाइक अंडर आई सीरम मिल जाएंगे, लेकिन एक ही साथ तीन प्रॉब्लम को हील करने वाला, एक ही साथ तीन तीन प्रॉब्लम को ठीक करने वाला, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट, ये सिर्फ हमारे पास है, SF9 के पास ही है, वेस्टिस के पास ही है, जो कि एट द सेम टाइम एक ही क्रीम हमें तीन बेनिफिट्स दे रहा है कि ये डार्क सर्कल को भी ठीक कर रहा है, फिर पफिनेस को भी ठीक कर रहा है, इवन क्रोस फिट को भी ठीक कर रहा है। सो आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो, राइट। सो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, जो सर फर्स्ट एंड इंग्रेडिएंट्स है वो है आर्टिचोक लीफ प्रॉपर्टीज, सेकेंड हो गया चैनल ट्रैक एक्सट्रैक्ट, थर्ड हो गया कैफेन, और फोर्थ हो गया मेडिटेरियन पाइन बर्क एक्सट्रैक्ट। ओके, सो ये बहुत ही लाइक अनयूजुअल कुछ लाइक इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है। सो अगेन आर्टिचोक जो लीव प्रॉपर्टीज है, ये हमारे जो स्किन के जो इलास्टिसिटी है, अगेन इलास्टिसिटी मैंने आप लोगों को बोला था, ये प्रोटीन है, वन काइंड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के लॉस होने के वजह से भी ये प्रॉब्लम्स दिखते हैं हमारे स्किन में। सो प्रोटीन को, प्रोटीन जो लॉस होता है उसको रिटेन करके रखने में हमें मदद करते हैं, दैट मीन्स हमारे स्किन में प्रोटीन या फिर कोलाजिन बूस्ट करते हैं, ये जो आर्टिचोक लीफ पेप्टाइड्स है। इसके साथ ही साथ सेनेल जो रैक एक्सट्रैक्ट है, ये अगेन हम अगेन वन काइंड ऑफ एक इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे स्किन में अगेन कोलाजिन देते हैं, लेकिन प्रोटीन देते हैं, राइट। सो स्किन का जो मॉइस्चराइजर लेवल है, तो स्किन का जो नमी है इसको भी बरकरार करके रखने में, या फिर फर्मनेस, स्किन का जो टाइटनेस है, जो फर्मनेस है उसको भी बरकरार रखने में हमें मदद करते हैं। फिर कैफेन, कैफेन अगेन लाइक बहुत सारे लोगों का आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे कि जो लोग बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं उन लोग का स्किन बहुत ग्लो करते हैं। अगर आज तक नहीं किया तो आप करना शुरू कीजिए। जो लोग बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं उन लोग का स्किन बहुत ही ग्लो करता है, बहुत ही दिखने में बढ़िया होते हैं, राइट। सो कैफेन, कॉफी जो होता है, कैफेन जो होता है, ये हमारे स्किन में एक ग्लो लाने में या फिर एक लाइक एक रेडियंस लाने में बहुत हमें मदद करते हैं, राइट। सो मेडिटेरियन पाइन बर्क जो एक्सट्रैक्ट है, अगेन अगेन ये कोलाजिन एंड इलास्टिन के साथ रिलेटेड है। सो हमारे कोलाजिन और इलास्टिन को प्रोटेक्ट करके रखने में हमें मदद करते हैं, राइट। सो ये हो गया अंडर आई सीरम के इनग्रीडियंट्स। सो इनको यूज कैसे करना है, सो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, मेरा कैमरा ऑलरेडी ऑन है। सो हमेशा ध्यान रखिए, हमारा जो फाइव फिंगर्स है, ये फाइव फिंगर्स में से जो रिंग फिंगर होते हैं, ये वाला फिंगर, इसमें सबसे लाइक जो इसका जो लाइक जोर है ये कम है, राइट। सो इसका जो लाइक एनर्जी है ये बहुत कम है, तो इसमें से इसमें इतना जोर नहीं होता, जैसे हम लोग कहीं पे भी दूसरा फिंगर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो इस रिंग फिंगर में बहुत कम जोर होता है। तो हमेशा उसको लाइक ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, हमारा अंडर आई जो एरिया है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। सो हमेशा हम लोग जब अंडर आई क्रीम लगाएंगे तो इस फिंगर को चूज करेंगे, इसको हल्का सा लेके आपको धीरे से चारों तरफ से आपको लगा के छोड़ देना है। सो आप लोग दिन के टाइम पे भी लगा सकते हो एक बार, और रात के टाइम पे भी लगा सकते हो। ये लाइक जिनका भी ये प्रॉब्लम है तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, या फिर कैसे इसको फॉलो करना है या फिर कैसे लगाना है इसको जानना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग के पास कोई भी है ऐसा जो कस्टमर है या फिर कोई भी ऐसा क्लाइंट है जिनको आप लोग ये प्रोडक्ट दे रहे, तो उनको कैसे यूज करना है ये भी बताना बहुत ही जरूरी है। सो अंडर आई सीरम का जो पीवी है वो है 28.33, उसके बाद जो डीपी है 850। सो ये था आज का स्किन फॉर्मूला 9 का लाइक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जो कि हम लोगों ने काफी सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स के वजह से ऐसा क्या क्या रीजन है जिसके वजह से हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स दिखने लगते हैं, या फिर वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हमारे स्किन में दिखने लगते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे प्लस एक्सक्लूसिवली स्किन फॉर्मूला 9 में क्या क्या प्रोडक्ट्स है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो पहला प्रोडक्ट था वो था ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, जो कि आप लोगों को स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए, फ्रेकल्स के लिए, एयर स्पॉट्स के लिए या फिर डल स्किन को देना है, राइट। सेकेंड प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है यूथ एलिक्सर, जो कि एंटी एजिंग एक प्रोडक्ट है, अगर किसी के स्किन में फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, उन लोगों को देना है। फिर थर्ड प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया, जो कि मैं खुद भी भूल गई अभी थर्ड प्रोडक्ट क्या था, हाइड्रेशन क्रीम, इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम के बारे में बात किया।
जिनके स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, जिनके स्किन बहुत डल है, टाइट है, पैची स्किन है, जिनके स्किन इवन नहीं है, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा इंटेंस मॉइस्चराइजेशन का जरूरत होता है, तो उन लोगों को आप लोग इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम दे सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने ब्लेमिश जेल के बारे में बात किया, जो कि स्पेशली ब्लेमिशेस के लिए है, एक्ने के लिए है, पिंपल्स के लिए है। उसके बाद हम लोगों ने डीप क्लेंजिंग ऑयल जो फेस वॉश है उसके बारे में बात किया, जो कि लाइक ऑयली स्किन भी यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन भी यूज कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन भी यूज कर सकते हैं। और डीप क्लेंजिंग ऑयल का खासियत, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो गुण है, जो बहुत यूनिक गुण है, वो है ये बहुत लाइक अच्छे से, बहुत इफेक्टिवली स्किन के अंदर जाके भी हमारे स्किन को साफ करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने बात किया अंडर आई सीरम के बारे में, जो कि हमारे आई रिलेटेड लाइक अंडर आई डार्क सर्कल, पफिनेस और क्रोस फिट को ठीक करने में हमें मदद करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मैं आप लोगों से, अगर आप लोग का कोई भी क्वेरी है, कोई भी है, मैं सुनना चाहूंगी। रंजिता मैम, हेलो, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन करना आप कर सकते हैं। मैम, हेलो सर, एक मीटिंग कर रही थी मैं। हेलो, हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे जो दोनों हाथ में ना काला काला तिल जैसा धब्बा होने शुरू हो गए, कुछ दिन से हो रहे हैं ऐसे, यहाँ पूरी स्किन में, इसके लिए मैं क्या लगाऊं? मैं कहाँ पे मैम, कहाँ पे हुआ है? हाथ में मैम। ओके, आप अपनी कैमरा ऑन करके दिखाइए एक बार। मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, ये हाथ में। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। काला काला सा धब्बा आ रहा है मेरे हाथ में, जैसे ना, जैसे तिल से कब से हो रहा है हाथों में, दोनों हाथों में। कब से शुरू हुआ है मैम ये? कुछ दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ, ज्यादा दिन नहीं हुए, मतलब एक महीना भी नहीं हुए ऐसे शुरू हो रहे हैं अभी। ओके ओके, सो अभी देखिए क्या होता है, ये जो स्किन का जो प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि कौन सा प्रॉब्लम होता है या फिर कब क्या लेना चाहिए, उसके साथ ही साथ इंटरनल भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैम, मैं सप्लीमेंट सारा यूज कर रही हूँ, मैं लिवर है। आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, पहले समझ गया। गुड गुड, सो आप एक काम कर सकते हो, जो लाइक डीप क्लेंजिंग और जो फेस वॉश है उसके साथ आप वो एरिया को साफ कर सकते हो, या फिर स्क्रब भी यूज कर सकते हो, और उस एरिया में आप लाइक ब्राइटनिंग जो ट्रीटमेंट है उसको भी लगा के देख सकते हो। ठीक है मैम, स्क्रब यूज कीजिए उस एरिया में आप, ठीक है? ओके मैम। या फिर जो पैक होता है एश्योर का, जो फेस पैक मिलता है, उसको भी लगा सकते हो आप वीकली। ठीक है मैम, क्योंकि आपने हार्ट का बोला इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, मैं स्किन का तो मैं वो फेशियल वगैरह एश्योर का सारा करती हूँ, पर हाथ में मुझे अभी कुछ दिन से नजर आ रहा है, जैसे काले 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 सा हल्का हल्का सा ऐसे हो रहा है। ओके ओके ओके, सो आप डीप क्लेंजिंग ऑयल से उसको, उसके साथ ही साथ आप लाइक ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट जो है उसको भी आप लगा सकते हो। ओके, सो और कुछ क्वेश्चन किसी के पास है? ओके, एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। अगर मेरा स्किन ड्राई है, राइट, मेरा स्किन ड्राई है, तो एट द सेम टाइम मैं डीप क्लेंजिंग ऑयल से फेस वॉश भी कर रही हूँ, मैं हाइड्रेशन क्रीम भी लगा रही हूँ, और मेरा स्किन में रिंकल्स है तो मैं यूट एलिक्सर भी लगा रही हूँ। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट पहले लगाऊं, कौन सा प्रोडक्ट बाद में लगाऊं। सो इन दैट केस आप फेस वॉश करने के बाद लाइक फर्स्ट यूट एलिक्सर लगाएंगे अपने स्किन पे, राइट, उसके बाद आप हाइड्रेशन क्रीम लगाएंगे। सो यूट एलिक्सर होके आपका लाइक ट्रीटमेंट जैसा, वो रिंकल्स के लिए या फिर फाइन लाइन्स के लिए ट्रीटमेंट है, तो उस प्रोडक्ट को आप पहले लगाएंगे, उसके बाद जो हाइड्रेशन क्रीम है, जो मॉइस्चराइजर है, उसको बाद में लगाएंगे। सो दिन में एक बार, रात में एक बार आपको ऐसे फॉलो करना है। सो इवन ये अंडर आई सीरम जो है उसको भी आप लोगों को ऐसे ही लगाना है।
सो क्लेंजिंग करने के बाद पहले अंडर आई सीरम, उसके बाद आप जो भी मॉइस्चराइजर फॉलो करते हो, वो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट हो या फिर हाइड्रेशन क्रीम हो, वैसे आप लोग फॉलो कर सकते हो. सो इसके साथ मैं एक चीज बोलना चाहूंगी आप लोगों को कि आप लोग का स्किन का कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप लोग रिलीजियसली इसको अगर फॉलो करते हो दिन में एक बार, रात में एक बार, विदाउट एनी फेल, आप लोग को रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा. ऐसा नहीं है कि आप आज यूज किया तो आपको कल परसों ही लाइक रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है. स्किन केयर में आपको रिजल्ट मिलने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा. रेगुलरली आप लोग जो रूटीन है अगर उसको फॉलो करते हो तो विद इन 1 week 10 days एक डिफरेंस तो आप लोग को समझ में आएगा ही आएगा, एक ग्लो तो आएगा ही आएगा. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि आप लोग उसको लाइक विदाउट एनी फेल उसको फॉलो कीजिए, उसको लाइक विदाउट एनी लेजीनेस उसको करने के लिए लाइक लेजीनेस फील मत कीजिए. सो उसको बहुत ध्यान से एवरी डे मिनिमम 2 बार तो करना ही है, राइट? तो थैंक यू सो मच एवरीवन. अगर आप लोग का क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगी मेरा सेशन. हेलो. यस यस संजीता मैम. हेलो हेलो, किसी को कुछ पूछना है क्या? हेलो मैम, मुझे कुछ पूछना है. ओके, जस्ट जस्ट अ सेकंड, मेरे लैपटॉप वो क्या मैन एंड वुमन दोनों के लिए है? जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया वो सारे इसके सारे बोथ फॉर मैन एंड वुमन, सब लोग यूज कर सकते. आजकल टाइम पे जेंट्स को भी बहुत ज्यादा टेंशन होते हैं, तो आईज के नीचे पूरे डार्कनेस आ जाते हैं. सो हमारे ये जो प्रोडक्ट्स है स्किन फॉर्मूला 9 के सारे लाइक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स है. तो बहुत टाइम क्या होता है कि हम लोग इतना कंसर्न नहीं होते हैं और सोचते हैं कि जब मेरा प्रॉब्लम आएगा तब मैं यूज करूंगी. और क्या होता है, प्रॉब्लम जब होता है तो बहुत जल्दी होता है लेकिन उसको ठीक करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है. तो इसीलिए आप लोग प्रॉब्लम्स आएंगे उसके बाद ही मैं यूज करेंगे, उसके लिए मत कीजिए. सो पहले से ही आपको प्रिकॉशन लेना है, पहले से ही आपको यूज करना है प्रोडक्ट्स ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट? और मैंने जैसे लेयर के बारे में बताया था कि एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस होता है, तो अंडर लेयर जब प्रॉब्लम चला जाता है उस टाइम पे ठीक करना थोड़ा सा लाइक टाइम बहुत लंबा भी लग सकता है या फिर हो सकता है कि 100% ठीक ना हो. तो इसीलिए जब कम होता है प्रॉब्लम उसी टाइम पे अटैक करना है, उसी टाइम पे आप लोग को लाइक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है या फिर प्रॉब्लम को आने ही मत दो, पहले से आप लोग प्रोटेक्शन लो, राइट? क्योंकि मैं हमेशा बोल रही हूँ फेस ही जो होता है, जो हमारा जो इम्प्रेशन है उसको क्रिएट करते हैं. और फेस में अगर कुछ ऐसे कुछ निकल जाए तो बहुत बुरा फील होता है, बहुत खराब लगता है, राइट? कभी कभी उसको हम लोग मेकअप, हाँ कभी 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 हम लोग मेकअप से उस मेकअप से भी उसको पूरा लाइक हाइड नहीं कर पाते हैं. तो दिस इज वेरी वेरी पेनफुल. ओके, और कुछ किसी को कुछ पूछना है? गुड मॉर्निंग माय डियर. नो मैम, आप इतना अच्छा से समझाया, मतलब सब कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है. थोड़ा बहुत जो भी था ना सब क्लियर हुआ है. तो मैं वही डीप क्लींजिंग ऑयल भी ला के रखा हूँ, उसी समय आपको फोन करा था, पूछा था, अभी आप बता दिया. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. अभी आज से ही लगाई आप यूज की? हाँ लगा लिया, आपसे बात करने के बाद ही स्टार्ट करा. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके मैम, थैंक यू. ओके थैंक यू.
तो अभी हम लोग जैसे जूम मीटिंग कर रहे हैं तो हर किसी का वही होता है अपना, लाइक मेरी बेटी भी पास होते लाइक पीछे से आते जाते रहते हो तो उसको भी बहुत मन होता है कि वो भी आए जूम मीटिंग में, सो आई कैन अंडरस्टैंड. ओके सो रंजिता मैम, अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस क्वेरी नहीं है तो वी कैन एंड द मीटिंग आई गेस. ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है. Thank you so much. Anytime. Thank you so much, everyone. Bye, everyone. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, Lakshmi ma'am. Bye. Thank you. Oh, dulu mani video asile. Dekhai na palu moi. Bye, everyone. Take care. Bye. Bye. Thank you, ma'am.